चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे एमबीए कॉलेज की जहाँ पे हाईएस्ट अर्निंग पोटेंशियल 32 लाख के आसपास है। यस, एंड ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज एवरी डे आई एम अपलोडिंग वीडियो। ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको mbacurlo.com वेबसाइट पे भी मिल जाती है। यू कैन स्किप दिस वीडियो एंड चेक द आर्टिकल, सेम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, पहले बात करते हैं कि आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स कौन से देखने मिलते हैं। एक है बिजनेस मैनेजमेंट, एक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड द थर्ड वन इज रूरल मैनेजमेंट। पहले बात करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट की। तो ये प्रोफाइल है जो लास्ट बैच प्लेस हुई है। पैसों की बात करेंगे, प्रोफाइल की बात करेंगे, है ना, सब कुछ होगा, देन बाद में एडमिशन की भी बात कर लेंगे। आप देख सकते हो स्ट्रीम वाइज प्लेसमेंट 41% कंसल्टिंग में प्लेस हुई बैच। ये तो मतलब IIM के टक्कर के स्टैट्स है। टोटल इनटेक कितना है 360, ठीक है, एंड जो स्टूडेंट्स प्लेसमेंट में थे वो है 355। हाईएस्ट सैलरी 32.21 लाख पर एनम, मीडियम सैलरी 17.10 लाख पर एनम, एंड एवरेज सैलरी 17.54। गाइज, मीडियम सैलरी ये जो है ना 17.10, ये बहुत ही सही है। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है इस पर्टिकुलर कॉलेज ने इन द लास्ट 2-3 ईयर्स। अगर मैं बात करूँ टॉप 25% स्टूडेंट्स की एवरेज सैलरी देख लो, 22.15 लाख पर एनम। टोटल 64 रिक्रूटर्स थे। स्ट्रीम वाइज दिया है, एवरेज CTC एंड अदर डिटेल्स भी दिए हैं। तो अभी तो ये बात होगी एक प्रोग्राम की। हाँ चलो यार, एक प्रोग्राम है बिजनेस मैनेजमेंट जहाँ पे 360 का इंटेक है, सैलरी पता चल गई कितनी है। और एक प्रोग्राम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पे इंटेक कितना है 120। हाईएस्ट सैलरी देखो 29.5 लाख पर एनम है, 15 लाख पर एनम मीडियम सैलरी है, और 15.12 लाख पर एनम एवरेज सैलरी। 39% ऑफ द बैच, ठीक है, IT इंडस्ट्री में प्लेस हुई है। ये ऐसे प्यारे ग्राफ्स अगर डाल देता है इंस्टीट्यूट अपने प्लेसमेंट रिपोर्ट में तो बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है डेटा डिकोड करने में। 50% स्टूडेंट्स की तो एवरेज सैलरी 17.2 लाख पर एनम है, मीडियम 16.6, विच इज़ वेरी वेरी गुड नंबर। एवरेज CTC ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखो 25% की है भाई, लाजवाब है। एजुकेशनल बैकग्राउंड देखो, ये जो HRM बैच थी, जो स्टूडेंट्स ने HR स्पेशलाइजेशन को चूज़ किया है अपनी लाइफ में, उनका जो बैकग्राउंड है 59% BBTech, भाई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कमेंट करते हैं कि यार HRM के लिए अच्छा कॉलेज बता दो, HRM लेना चाहिए एज अ स्पेशलाइजेशन और नॉट, तो उनके लिए ये मुंह तोड़ जवाब है कि भाई हाँ, HRM में अच्छा करियर हो सकता है। एंड अगर मैं बात करूँ फ्रेशर्स की, 46% ऑफ द टोटल बैच फ्रेशर्स की है। तो भाई और क्या चाहिए, मतलब फ्रेशर्स के लिए भी अच्छा है, इंजीनियर्स के लिए भी अच्छा है, नॉन इंजीनियर्स के लिए तो अच्छा है ही। आगे बात करते हैं, ये जो विजुअल है थोड़ा सा ग्राफिक खराब है, वेबसाइट पे वैसा था तो ज्यादा कुछ नहीं करता। दिस इज अबाउट रूरल मैनेजमेंट। यस, सो रूरल मैनेजमेंट में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एवरेज सैलरी 8 लाख की है, मीडियन 8.40, मीडियन ज्यादा है मीन्स डेटा स्क्यूड है। हाईएस्ट सैलरी 14 लाख की है ना, बट स्टिल इम्प्रूवमेंट है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। सेक्टर वाइज में तो ये पता चल गया कि IT सर्विसेज एंड NBFC में ज्यादा प्लेसमेंट हुई है ना, दैट इज वेरी गुड। तो ये आपके सामने डेटा है, रिक्रूटर्स टोटल 22 के आसपास थे। तो ये थी बात रूरल मैनेजमेंट की। अभी बात करते हैं कि कैसे अप्लाई करें। आप अप्लाई कर सकते हो कैट के बेसिस पे, जैट के बेसिस पे, GMAT, NMAT एंड XGMT। जो बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है वहाँ पे आप NMAT के बेसिस पे अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, NMAT विल ओनली हेल्प यू विथ रूरल मैनेजमेंट एंड HRM। फाइन, सो अगर आपने NMAT देने की ठान ली है या फिर दे चुके हो तो देन डेफिनेटली दो प्रोग्राम्स आप टारगेट कर सकते हो। एंड जो स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा दे विल गो थ्रू GDVAT PI। भाई ये GDVAT PI क्या है, इतनी दिक्कत क्यों है समझने में? कोई बात नहीं यार, आर्टिकल पढ़ लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, सब कुछ पता चल जाएगा। एकदम इजीली आप फोड़ सकते हो GDVAT PI। देन जो फाइनल सिलेक्शन होता है ना, वो आपका परफॉर्मेंस पे होता है, जो आप GDVAT PI में देते हो। देन जेंडर डाइवर्सिटी, एकेडमिक्स, वर्क एक्सपीरियंस, ओवरऑल प्रोफाइल इन जनरल, तो ये पूरा देख के आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। अभी बात करते हैं भाई यार इन्वेस्टमेंट क्या है। इतना मतलब पैसे की बात कर ली अपन ने, इतना अच्छा अच्छा कुछ मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी। बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM की जो फी है वो 21 लाख के आसपास है फॉर द कोर्स ऑफ 2 ईयर्स। यस, इन्वेस्टमेंट इज ऑन द हायर साइड फॉर श्योर। एंड अगर बात करें रूरल मैनेजमेंट की तो 15 लाख की फी है 2 साल की। यस, दिस इज कोर्स फी ऑफ 2 ईयर्स। इन्वेस्टमेंट हैवी साइड पे है,
सो व्हेन जब आप अप्लाई करोगे तो ये तो समझ लो कि स्टैट्स हाँ यार आईएम के टक्कर के है, एज वेल एज जो टॉप नॉन आईएम्स है पूरे इंडिया में उनके टक्कर के तो डेफिनेटली है। इंस्टीट्यूट कौन सा है? वैसे तो थंबनेल में क्लियर हो जाना चाहिए। यस, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या फिर इन जनरल जेवियर यूनिवर्सिटी। एंड जेवियर यूनिवर्सिटी के तीन अलग अलग प्रोग्राम्स है। वेर इज इट लोकेटेड? भुवनेश्वर। तीन अलग अलग प्रोग्राम्स है, बिजनेस मैनेजमेंट, एचआरएम एंड आरएम। इन्वेस्टमेंट इज ऑन द हेवी साइड, जैट अगर आपने दी है तो डेफिनेटली आप अप्लाई करोगे। मोर ओवर कट ऑफ की बात करें तो 90% के आसपास कट ऑफ होता है। एंड मोर ओवर ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कैट जैट जीमैट एनमैट के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, उनकी खुद की भी एक एंट्रेंस है XGMT, तो वो दे दो भाई। सो बहुत सारे ऑप्शन है अंदर जाने के लिए, अभी डिसाइड आपको करना है कि ये इन्वेस्टमेंट और ये आउटपुट चाहिए या नहीं। सो गाइज दैट्स इट इन दिस वीडियो। खुद को अपस्किल करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स चेक कर लेना, GD, VAT, PI, जो भी डेटा आपको लगेगा टू क्रैक एडमिशन प्रोसेस वो सब दिया हुआ है। एंड ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे आते रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज कीप दैट स्माइल अप।